नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। इस देश में कहीं बाढ़ आ जाए तो उसका जिम्मेदार भी आरक्षण है, इस देश में कहीं पुल टूट जाए तो उसका जिम्मेदार भी आरक्षण है, इस देश में अगर किसी का आईआईटी जेईई में एंट्रेंस एग्जाम ना निकले, भलाई उसकी रैंक 4 से 5 लाख रही हो, उसका जिम्मेदार भी आरक्षण है। इस देश में कोई 10वीं फेल अगर कलेक्टर नहीं बन पाता है तो उसका जिम्मेदार भी आरक्षण है। अगर इस देश में किसी को बच्चा पैदा ना हो रहा हो ना, और किन को नहीं हो रहा हो, तो उसका जिम्मेदार भी आरक्षण है। आप समझ गए होंगे मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है, हमारे देश में चल रहा है वर्ल्ड कप, जहां पे हमारी भारतीय टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है और इस बार भारत जरूर वर्ल्ड कप जीतेगा, हम सभी भारतीयों की ये उम्मीद लगी हुई है। लेकिन इस वर्ल्ड कप में भी क्या बोलते हैं, ये सुधीर चौधरी जो अपना एक शो चलाता है ब्लैक एंड व्हाइट करके शो चलाता है आज तक चैनल के ऊपर, इसने पूरा जातिवादी बना दिया इस क्रिकेट को। बताओ कैसे भाई, इसने क्या करा, साउथ अफ्रीका में रिजर्वेशन सिस्टम है स्पोर्ट्स में, उसमें क्या होता है 15 या 16 में ये कुछ लागू हुआ है कि भाई 4 से 5 खिलाड़ी साउथ अफ्रीका की जो टीम टूर्नामेंट के लिए बन रही है उसमें ब्लैक्स होना चाहिए, तभी वो टीम किसी भी टूर्नामेंट में इंटर कर सकती है और खेलने जा सकती है। तो भाई इसको लेकर, क्योंकि अभी साउथ अफ्रीका के साथ ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ सेमीफाइनल का, जिसमें ऑस्ट्रेलिया टीम जीत गई और साउथ अफ्रीका हार गई, तो इस हार को, साउथ अफ्रीका की इस हार को पूरा जिम्मेदार इस सुधीर चौधरी ने आरक्षण को ठहरा दिया। हालांकि इस सुधीर चौधरी ने क्या कहा है, मैं आइए आपको बता देता हूं। आज आपको ये भी देखना चाहिए कि भारत के लिए वर्ल्ड कप खेलने वाले इन खिलाड़ियों को किसी आरक्षण की मदद से या किसी कोटे की मदद से इस टीम में जगह नहीं मिली, बल्कि ये खिलाड़ी बिना किसी आरक्षण के आए हैं, बिना किसी कोटे के अपनी प्रतिभा से इस मुकाम तक पहुंचे, इसलिए ना तो इनकी जाति देखिए और ना इनका धर्म। अगर असली भारत की आप बात करें, भविष्य के भारत की अगर आप बात करें, तो ये टीम असली भारत का सबसे सही प्रतिनिधित्व होता है वो ये टीम करती है, और शायद इसीलिए भारत की क्रिकेट टीम इस समय पूरी दुनिया में बेस्ट टीम है, सर्वश्रेष्ठ टीम है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें ना जाति चलती है, ना धर्म चलता है, ना आरक्षण चलता है। और सोचिए अगर पूरा भारत ऐसा हो जाए तो क्या भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश नहीं बन जाएगा? सोचिए अगर क्रिकेट में भी खिलाड़ियों का चयन टैलेंट की जगह आरक्षण के आधार पर होने लगे, जाति के आधार पर होने लगे, धर्म के आधार पर होने लगे, तो क्या हम ऐसी टीम कभी बना पाते? इसका जो पूरा शो था जिसमें इसने ये भी कहा गया, इसने ये भी कहा था कि साउथ अफ्रीका टीम में आरक्षण है, उसमें कोटे से खिलाड़ी आए हैं, इसलिए साउथ अफ्रीका हार गई। हालांकि ये बंदा पूरी बात घुमा फिरा के सिर्फ यही बताना चाहता है कि अगर भारत से आरक्षण हट जाए तो उसे दूसरे दिन भारत विश्व गुरु बन जाएगा। अब इस देखकुफ को कौन बताए भाई कि 1950 में आरक्षण आया है, मान लीजिए संविधान आने के बाद, उससे पहले तो तुम्हारे सारे मैरिट वाले लोग पढ़े लिखे होते थे, क्योंकि एससी एसटी के लोग तो पढ़ते लिखते नहीं थे, तो सारे तुम लोग गुलाम क्यों बने, क्यों मुगलों ने तुम्हारे ऊपर राज किया भाई, तुम लोग क्यों विश्व गुरु नहीं बन पाए? देखो ये लोग जो है ना बहुत फेक चीजें फैलाते हैं, जिसका खुलासा हम जैसे यूट्यूबर्स ही करते हैं, हम जैसे बहुजन समाज के लोग ही करते हैं। इसलिए आपको मैं बोलता हूँ कि हमारे वीडियो रोजाना देखा करो, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया करो, हम आपको सच्चाई बताते हैं। ये तिहाड़ी चौधरी आरक्षण के खिलाफ जो नफरत फैला रहा है, ये अकेला नहीं है, इस मीडिया संस्थान में जितने भी पत्रकार है, चाहे ये हो या जितने भी चैनल के पत्रकार हो, सभी रोजाना आरक्षण को लेकर ब्लेम करते हैं, सभी की मानसिकता मनुवादी मानसिकता की है। हालांकि मेरा एक क्वेश्चन है इन पत्रकारों से या सब ये सुधीर चौधरी से कि भाई ये बताओ, तुम्हारे मीडिया संस्थान में तो कोई आरक्षण नहीं है, तो वहां पे एससी एसटी के लोग तो होंगे ही नहीं, ये बताओ 31 से 32 करोड़ की जनसंख्या है इस भारत की, क्या उसमें कुछ परसेंटेज के लोग भी ऐसे नहीं है जो मीडिया संस्थान में काम कर सके या फिर मीडिया संस्थान में नौकरी कर सके? अरे बहुत है, तुमसे भी ज्यादा अच्छे पत्रकार है, तुमसे भी अच्छा बोलने वाले, तुमसे भी अच्छा लैंग्वेज का यूज करने वाले, तुमसे भी अच्छे एंकर है, कई गुना अच्छे, लेकिन तुम्हारी जो सिस्टम है ना, तुम्हारा ये जातिवाद है जो तुम्हारे चैनल के ऊपर लोग बैठे वो उनको भाग काम नहीं करने देते। सबसे अच्छा एग्जांपल बताऊंगा मैं आप लोगों को, नवीन कुमार जी का, जो कि बड़े चैनल में थे लेकिन जातिवाद के कारण बाहर आ गए। सुमित चौहान जी जो कि बड़े चैनल में थे लेकिन वहां पे उनके साथ जातिवाद हुआ, वो बाहर आ गए। मीना कोटवाल जी वो भी एक बड़े चैनल में थी लेकिन इस प्रकार से उनको अपने खिलाफ सुनने को मिलता था, जातिवाद स्लोगन सुनने को मिलते थे, तो वो वहां से लड़कर बाहर आ गई। और आज इन सही इन सुधीर चौधरी जैसे लोगों से, इन जैसे पत्रकारों से कई अच्छा काम कर रहे हैं, कई ज्यादा फेम हासिल कर सके हैं और कई ज्यादा अच्छा वर्क कर रहे हैं, जो असली पत्रकारिता हो रही है वो लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये बताइए सुधीर चौधरी के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं, जो दिन रात आरक्षण को कोस रहा है, जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि
इस भारत का जो बदहाली है, जो बेरोजगारी है, जो इस भारत में पूरी सिस्टम खराब है, या फिर इस भारत में जो भी दुर्दशा है, वो केवल आरक्षण के कारण है। क्यों ये सवर्ण पत्रकार आरक्षण को लेकर इतना ज्यादा मुखर होकर बोलते हैं, यानी कि उसके खिलाफ बोलते हैं, पक्ष में नहीं बोलते कि भैया जातिवाद हटना चाहिए या भैया आरक्षण बहुत अच्छी चीज है, उसके खिलाफ ही बोलेंगे कि आरक्षण को खत्म करो, ये खत्म कर दो। भाई मैं तो ये भी कहूंगा, आरक्षण है इसलिए आप ये मोबाइल में ये मेरी वीडियोस देख पा रहे हो, आरक्षण नहीं होता ना तो आज भी हमें पढ़ने नहीं दिया जाता, लिखने नहीं दिया जाता, हमें आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। तो आप सुधीर चौधरी टाइप के लोगों को, या फिर सुधीर चौधरी को क्या बोलना चाहते हो, नीचे कमेंट करिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल दोस्तों।